सो एज यू गाइज नो कि हर महीने अलग अलग तरह की गेम्स लॉन्च होती हैं, और इसी तरह नेक्स्ट मंथ अगस्त 2024 में भी कुछ ऐसी कमाल की गेम्स लॉन्च होने वाली हैं जिनका वेट करना डेफिनेटली वर्थ इट होगा। सो ये 5 बेस्ट गेम्स ऑफ अगस्त गलती से भी मिस मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तुम्हें गेम प्ले, विंडो ट्यूटोरियल्स, गेम रिकमेंडेशन एंड गेमिंग से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलता है। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं 5th गेम से जिसका नाम है लेवल जीरो एक्सट्रैक्शन। सो इस गेम की अगर बात करें तो ये काफ़ी डिफरेंट लगता है दूसरे गेम से। ये गेम कॉम्बिनेशन है एक्सट्रैक्शन शूटर एंड सम पीवीई एलिमेंट्स। तो आप एक तरह से सिंगल प्लेयर गेम खेल रहे हैं, ऐसा स्पेस एक्सप्लोरेशन गेम। तो ऑब्वियस ही बात है आप इसमें स्पेस एक्सप्लोर करेंगे जहाँ डेडली एलियंस मौजूद होंगे जिनसे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। ये एक कम्प्लीट हॉरर टाइप गेम तो नहीं है लेकिन इसमें स्केरी एलिमेंट्स ज़रूर हैं। सो इस जैसे कमाल के गेम को में फन तो जरूर आएगा। सो ऑन द नंबर 4 वी हैव स्टार वॉर्स आउटलॉज, और ये एक बड़ा ही फंटास्टिक गेम होने वाला है फॉर स्टार वॉर्स फैन, जिसमें ऐसे फीचर्स होंगे जो आपको पुराने स्टार वॉर्स की याद दिलाएंगे। और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस गेम को ट्राई करने के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टार वॉर्स ने इस तरह का ओपन वर्ल्ड गेम लॉन्च किया है जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सो इट्स गोना बी फन। सो ऑन द नंबर 3 वी हैव ब्लैक मिथ वुकोंग, और बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये गेम एक सोल्स टाइप गेम है पर ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ये सोल्स टाइप गेम दिखता जरूर है पर ये एक लीनियर टाइप गेम है, मतलब आप इसे थोड़ा थोड़ा गॉड ऑफ वॉर से भी मिला सकते हो, ये आपको उस गेम की वाइब जरूर देगा। तो ऑन द नंबर 2 वी हैव अ मल्टीप्लेयर गेम कॉनकॉर्ड फ्रॉम सोनी प्लेस्टेशन। ये एक 5v5 हीरो शूटर गेम है और इसमें बहुत से यूनिक फीचर्स होंगे। ये काफी हद तक दूसरे फ्री टू प्ले गेम से मिलता जुलता है लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स जरूर हैं जो इससे दूसरे गेम से डिफरेंट बनाते हैं और इसको स्टैंड आउट करने में जरूर मदद करेंगे। सो वी विल चेकआउट। सो ऑन द नंबर 1 वी हैव स्टॉर्मगेट जो कि फ्रॉस्ट जायंट स्टूडियोज की तरफ से है। ये एक स्ट्रेटजी गेम होने वाला है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बाद का अर्थ देखने को मिलेगा एंड इसके बारे में बस इतना ही। सो गाइज यही थे वो 5 गेम्स जो कि नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाले हैं और मैं तो इन्हें जरूर ट्राई करूंगा। कमेंट में बताना अगर इस सीरीज का एक और पार्ट चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई जब भी लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर अमेजिंग गेमिंग कॉन्टेंट। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।